साल का पहला अवार्ड फंक्शन स्टार्ट हुआ कल स्टारडस्ट अवार्ड्स के साथ, जहां शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर 13 अवार्ड्स जीत गई, वहीं प्रियंका चोपड़ा को मैरीकॉम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला फॉर द कैटेगरी ड्रामा, और साथ ही रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला थ्रिलर एंड एक्शन कैटेगरी के लिए। कंगना रनौत ने जीता बेस्ट एक्टर फॉर द फिल्म क्वीन, वहीं रणदीप हुडा को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड फॉर द फिल्म हाईवे। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान को सुपरस्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आलिया भट्ट बैग्ड द सुपरस्टार ऑफ टुमारो टाइटल फॉर द फिल्म हाईवे, व्हाइल टाइगर श्रॉफ रिसीव्ड सुपरस्टार ऑफ टुमारो फॉर द फिल्म हीरोपंती। इतना ही नहीं, तबू रिसीव्ड बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल फॉर विशाल भारद्वाज हैदर, एंड गोविंदा बैग्ड द अवार्ड इन मेल कैटेगरी फॉर द फिल्म किल दिल, व्हाइल अंकित तिवारी बैग्ड द बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अवार्ड फॉर गलिया फ्रॉम एक विलन। जाहिर सी बात है, ये शाम तो मस्तानी होनी ही थी, और हो भी क्यों ना, यहाँ पे पहुंचे दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, सोनम कपूर, परिणीति चोपड़ा, शाहिद कपूर, दिया मिर्जा, बिपाशा बासु, हाँ, और ना जाने कितने ही बॉलीवुड के चमकते सितारे।